इंतजाम हो गया? इंतजाम? अरे सब इंतजाम हो गया। हम कहाँ जा रहे हैं? अरे बता तो रहा हूँ भाभी जी, मतलब होने वाली भाभी जी, नौकरी की सारी बात हो गई है, घर का भी सारा बात हो गया है, बस तुम दोनों की शादी होना बाकी है, जल्दी कर लो। हाँ तो वो भी करवा लेते ना, ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु ध्वजा ता 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 सर मेरा नाम दीपा कुलकर्णी है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मुझे ये लड़की कल रात को अकेले रोड पर मिली। सर ये बहुत घबराई हुई थी, मदद मांग रही थी, और जब इसने मुझे अपने बारे में बताया तो मुझे लगा कि इसे पुलिस स्टेशन ही ले जाना चाहिए, और इसीलिए आज सुबह होते ही मैं इसे यहाँ ले आई हूँ। अच्छा किया आपने। नाम क्या बेटा तुम्हारा? सब अब हमारा नाम मोहिनी संथाल है। कहाँ की रहने वाली हो? झारखंड तरवा गांव से। क्या हुआ तुम्हारे साथ? सब हमारे माँ बाप नहीं है, चाचा के घर रहते। एक दिन चाचा बोले मंडी जाना है, धोखे से किसी आदमी को बेच दिए। बस अभी के पास आ रहा हूँ। जी मैडम जी। ये मैडम जी कौन है? वो तो नहीं मालूम साहब। फिर एक जगह गाड़ी रोके और वो तीनों पेशाब करने के लिए उतर गए, और हमको मालूम नहीं था सब कहाँ जा रहे हैं, बस भागते रहे और शहर पहुंच गए। पर हमको बहुत डर था कि वो हमें पकड़ ना ले, रोड पे हम रोते रहे। फिर ये दीदी आई। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम्म? सर लड़की की बॉडी है, देखकर लगता है कि 16-17 साल की होगी। सर जिस तरह से बॉडी की हालत है, देखकर लग रहा है कि मर्डर हुए 2-3 दिन हो चुके हैं। यहाँ का कचरा यहाँ पे फेंका जाता है। सर हो सकता है कि जिसने मर्डर किया उसने जानबूझ के बॉडी को यहाँ पे डंप किया, ताकि बॉडी से बदबू ना आए और किसी को मिल ना सके। आज सुबह कचरा फेंकने आया था, उसी ने बॉडी को देखा और हमें फोन किया। सर लड़की के प्राइवेट पार्ट पर ड्राई ब्लड मिला है, सेक्सुअल असॉल्ट या रेप जैसा मामला हो सकता है, पर बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी है, इसलिए ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। कॉलेज खुलेंगे तो फिर कोशिश करूंगी। लेकिन अभी कहाँ जा रही हो? अरे वो पापा का बर्थडे है ना कल, तो सोच रहे हैं आज रात को जाके उनको सरप्राइज दे दे। अकेले? हम भी जाने वाले 2-4 दिन में, साथ में चल लेना। अरे चले जाएंगे ना दीदी, हमारा कोई का बिगाड़ेगा, और वैसे भी करोड़ी मोड़ तक तो पलाश आ ही जाएगा हमको लेने के लिए, फिर का डर। दीदी अब हम चलते हैं। भैया हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या भैया कर रही है तू? पिछले महीने तूने काफी मेंबर्स बनाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस महीने तू एक भी मेंबर नहीं बनाएगी तो चलेगा। कॉलेज के सब लोग पहले से ही मेंबर बने हुए हैं। तेरे कॉलेज की दूसरी लड़कियां कैसे मेंबर बना रही है? तो बहाने कम और काम ज्यादा कर। वो हम घर जा रहे थे तो वहाँ जाकर। वो बरनपुर में रहती है ना, जा तू। हेलो
number you have called is currently switched off. पलाश, पिंकी को फोन कर। अगर आपके फोन से नहीं लग रहा है तो हमारे फोन से कैसे लगेगा फोन? अरे उसका फोन बंद जा रहा है और उसने फोन भी नहीं किया है। पढ़ाई कर रही होगी। हाँ। ये लीजिए, सुन लो। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। पता नहीं इसका फोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है। कोई नहीं होगा, जाओ टेंशन मत लो, ताला तोड़ो। सिमी देखो ये कितनी बेताब हो रही है। कविता का फोन भी बंद आ रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई होंगी ये दोनों। हॉस्टल में पार्टी चल रही होगी, बॉटल्स वॉटल्स फुल रहे होंगे। सब तेरी तरह नहीं होते हैं। पापा वो एंजॉय कर रही हो, अब टेंशन मत लो। ए लड़की, अरे ये तो बेहोश होगी यार। वैश्यत की हर सीमा को पार कर रहे थे ये लोग, पर ये थे कौन? क्या ये किसी बड़ी दुश्मनी का नतीजा था जो पिंकी को भुगतना पड़ रहा था? पिंकी, डॉक्टर साहब हमारी पिंकी को बचा लीजिए, इसकी सांसें चल रही हैं अभी तक। देखिए एक तो ये पुलिस केस है, जब तक पुलिस नहीं आ जाती हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे मत कहिए डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ, डॉक्टर साहब मैं आपका पैर पकड़ता हूँ मेरी। देखिए केस बहुत बिगड़ा हुआ है, हॉस्पिटल बहुत छोटा है, यहाँ इसका इलाज नहीं हो सकता। आप समझने की कोशिश कीजिए, इसको जल्दी से कहीं और लेके जाइए। बाहर जाकर कह दे एम्बुलेंस बाहर गई है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.